स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। देखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं और इनका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, ये हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, वहीं हम बताएंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसी होती हैं, यानी किस फॉर्म की होती हैं और उनका डिफरेंशियल कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए टी की पावर 3 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स सॉरी वाई इज इक्वल टू यहाँ ए 1 प्लस टी स्क्वायर देन फाइंड dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx मीन्स y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रेस्पेक्ट। पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसी होती हैं इसको समझते हैं। देखिए, अब तक हमने कार्टेशियन इक्वेशन समझी, यानी जो कि बाई और एक्स की टर्म्स में होती हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स टी का फंक्शन, वाई टी का फंक्शन, दोनों सेपरेट सेपरेट इक्वेशन हैं। तो ऐसी इक्वेशन जो कि एक्स के लिए अलग एक इक्वेशन, वाई के लिए एक अलग इक्वेशन, यानी एक्स एक अलग टी का फंक्शन, वाई एक दूसरा टी का फंक्शन, दोनों टी के फंक्शन या थीटा भी हो सकता है, तो वो थीटा का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। देखिए, सॉल्यूशन कैसे हम इसका डिफरेंशियल करते हैं वो समझ लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए टी की पावर 3 एंड वाई इज इक्वल टू ए 1 प्लस टी की पावर 2 या कहते हैं टी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ ये एक इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल करेंगे हम टी के रेस्पेक्ट, डी डब्ल्यू आर 2 टी। ये दूसरी इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल भी हम करेंगे टी के रेस्पेक्ट, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स का डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट। अब इधर टी के रेस्पेक्ट, तो देखिए ये तो कांस्टेंट नंबर है, फंक्शन कौन है, टी, टी की पावर 3। तो टी की पावर 3 का जो डिफरेंशियल करने का फॉर्मूला, 3 टी की पावर 3 माइनस 1, कौन सा फार्मूला है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। चूँकि यहाँ एक्स की जगह पर टी है, तो एन टी की पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला। डीवाई अपॉन डी टी, ए 1 का डिफरेंशियल 0, टी स्क्वायर का 2 इंटू 2 की टी की पावर 2 माइनस 1। ये तुम्हारा रफ समझाया है। डी एक्स अपॉन डी टी, ए
और 3 की मल्टीप्लाई 3 ए, टी की पावर 3 माइनस 1 यानी टी की पावर 2 डी वाई अपॉन डी टी। देखिए 0 प्लस 2 टी की पावर 2 माइनस, यानी 2 इंटू टी रहेगा क्योंकि 2 माइनस 1 पावर रहेगी 1 और 1 पावर हम लिखते नहीं है, केवल टी रहेगा 2 टी और ए ये 2 ए टी। तो ये दो डिफरेंशियल आ गए, एक एक्स का आ गया एक वाई का। हमें निकालना है वाई का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट। हमने निकाला एक्स का डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट, वाई का डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट। तो फॉर्मूला बनेगा डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है। एक डिफरेंशियल ये, एक ये, डी वाई ऊपर है तो वाई वाले का डिफरेंशियल ऊपर लिखा जाएगा, एक्स वाले का डिफरेंशियल ये वाला नीचे लिखा जाएगा। तो ये रहा देखिए 2 ए टी और यहाँ से 3 ए टी स्क्वायर, इसे ए कैंसिल हो गया, टी से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पावर रह गई। नहीं, यहाँ टी की एक पावर है, यहाँ दो पावर है, तो एक कट जाएगी यानी कैंसिल हो जाएगी, एक रहेगी। तो नीचे रहेगा 3 टी और ऊपर 2। ये आंसर समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 2 ए टी, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉल्यूशन देखिए, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन, एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन, तो दोनों अलग अलग इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन या इस फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट, इसका भी डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ए इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 इंटू टी डी वाई अपॉन डी टी, 2 ए टी का डिफरेंशियल 1 होता है। जैसे एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है एक्स के रेस्पेक्ट, टी का डिफरेंशियल 1 होगा टी के रेस्पेक्ट। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए डी वाई अपॉन डी टी 2a, डी एक्स अपॉन डी टी ए इंटू 2t, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 अपॉन। एक और क्वेश्चन लेते हैं,
एक्स इज इक्वल टू टी प्लस लॉग टी, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टी। हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या करेंगे सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस लॉग टी, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास वन अपॉन टी। वन अपॉन टी को लिख सकते हैं टी की पावर माइनस वन। हमें डिफरेंशियल करना है टी के रेस्पेक्ट, इधर भी करना है टी के रेस्पेक्ट। यहाँ होगा डी एक्स अपॉन डी टी, टी का डिफरेंशियल वन, लॉग टी का वन अपॉन टी। आप जानते हैं डिफरेंशियल के फॉर्मूले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टी का वन, लॉग टी का वन अपॉन टी, डी वाई अपॉन डी टी, टी की पावर माइनस वन का डिफरेंशियल होगा माइनस वन, टी की पावर माइनस वन माइनस वन, यानी कि माइनस वन टी की पावर माइनस टू, और माइनस वन टी की पावर माइनस टू हम नीचे लाए यानी डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर यानी प्लस की पावर होगी, और ये हम एलसीएम ले लें टी, तो इधर हो जाएगा टी इधर वन। हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, जो कि फार्मूला हम बता चुके हैं डी वाई अपॉन डी टी, यानी वाई का डिफरेंशियल हम लिखेंगे ये, और डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी है माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये है टी प्लस वन अपॉन टी। तो ये टी नीचे का ये कैंसिल, माइनस वन अपॉन टी ये डिवाइड में आ गया, और ये टी प्लस